कौन है ये द्रौपदी मुर्मू, क्या है इनकी अनसुनी कहानी, चलिए जानते हैं कैसे बनी है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार और इससे बीजेपी को क्या होगा फायदा। नमस्कार, मैं हूँ शिखा कर्ण। द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड की फॉर्मर गवर्नर और ओडिशा की फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और साथ ही वो झारखंड की पहली महिला गवर्नर थी। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि ये पहली आदिवासी महिला नेता है जिन्हें इस पद के लिए चुना गया है। साथ ही अगर द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो देश की दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट होंगी, यानी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद वो भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट होंगी। साथ ही वो सबसे यंग प्रेसिडेंट होंगी जिनकी उम्र केवल 65 साल होगी। चलिए जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के प्रेसिडेंट बनने से क्या होगा आखिर बीजेपी को फायदा। एनडीए नॉमिनी द्रौपदी मुर्मू ने फ्राइडे को प्रेसिडेंटल इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर दाखिल करा लिया है। 18 जुलाई को होने वाले प्रेसिडेंटल इलेक्शन में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद कई राजनीतिक दलों ने एनडीए का समर्थन किया है। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये एक राजनीतिक गठबंधन है जो कि बीजेपी के लीडरशिप के अंडर आता है। भारत में कुल 12 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन है और पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो द्रौपदी मुर्मू जो कि एक आदिवासी महिला है, इनके प्रेसिडेंट बनने से बीजेपी को पांचवी और छठी अनुसूची के राज्यों में ट्राइबल लोगों का वोट और समर्थन मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार फिफ्थ और सिक्स सीडवल वो सीडवल्स एरिया है जहां पर ट्राइबल पीपल रहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इन एरिया में रहने वाले सीडवल ट्राइब्स के कल्चर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इन एरिया में भारत के कुल 13 स्टेट आते हैं जिनका ट्राइबल पॉपुलेशन कुल 12 करोड़ है। चलिए जानते हैं कौन है ये द्रौपदी मुर्मू और क्या है इनकी अनसुनी कहानी। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला नेता है जिनका जन्म 20 जून 1958 में ओडिशा के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनका बचपन काफी गरीबी और अभावों में गुजरा था, पर इसके बावजूद मुर्मू ने हार नहीं माना और अपनी मेहनत और लगन से रामदेवी वुमेन कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। द्रौपदी मुर्मू का जीवन काफी संघर्षमय था। उनकी जिंदगी में हादसे पर हादसे होते रहे। पहला हादसा जब उनके पति श्याम चरण मुर्मू का कार्डिक अरेस्ट के कारण मौत हो गया। दूसरा हादसा जब उनके बेटे का रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गया और इस सदमे से निकलने में उनको काफी वक्त लगा। इस सदमे से वो उभरी भी नहीं थी कि महज 3 साल बाद सड़क हादसे में उनके दूसरे बेटे की भी मौत हो गई। द्रौपदी मुर्मू की केवल अब एक विवाहित पुत्री है जो कि भुवनेश्वर में रहती है। पति और दोनों बेटे की मौत के बाद भले ही द्रौपदी मुर्मू टूट सी गई थी, इन हादसों ने उन्हें अंदर तक झंझोर के रख दिया था, पर इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं माना, बल्कि उनकी जिंदगी में हुए इन हादसों के बाद वो और मजबूत बन गई। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी जिंदगी में कई हादसे और उतार चढ़ाव के बाद भी अपना रास्ता खुद बनाया और अपनी मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ी और साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की भी शुरुआत की और आज वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और हो सकता है कि वही आने वाले समय में भारत की प्रेसिडेंट बने।